हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका टी सी अकेडमी पर आज पेपर डिस्कशन में नाइन नंबर पेपर आप डिस्कस किया जाएगा चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग जुड़ जाइए और पेपर सॉल्व होगा ये पूरा पेपर सॉल्व किया जाएगा 125 क्वेश्चन जितने भी हैं थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर सही से देना है है ना तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है हारमोन दैट इंड्यूसेज सेल डिवीजन ठीक है हारमोन्स That इंड्यूसेस सेल division। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है ठीक है कोशिका विभाजन को जो इंड्यूस करने वाला प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो वो है आपका ऑक्सिन होता नहीं है जिब्राइलिन होता नहीं जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस कर सके काइनिन जो होता है ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा काइनिन ठीक है पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काइनिन टोटल पूरे 125 ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है अभी तो हम लोग पार्ट में डिस्कस कर रहे थे बट आज ये ये पेपर जो है पूरा सॉल्व करना है आपको है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखते हैं सभी को गुड इवनिंग ऑफ यू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नेम ऑफ प्लांट आर गिवन इन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू बोथ द लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द साइन गिवन बिलो ठीक है एक तरफ क्या दिया है प्लांट दिया है दूसरी क्या दिया गया मैथड ऑफ न्यूट्रिशनल ठीक है दूसरी तरफ दिया है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है इसके बारे में बताया गया है इंडियन पाइप डॉर्डर हो गया ब्लैडर वार्म हो गया रेफलेसिया हो गया तो न्यूट्रिशन बताना है आपको ठीक है तो चलो जो आते हैं आपको उसमें देख लेते हैं ठीक है चलो सबसे पहले कि आपने ब्लैडर वार्म ब्लैडर वर्ड पढ़ा होगा कि ये क्या है ब्लैडर वर्ड एक कीटभच्छी पौधा है क्या है कीटभच्छी पौधा है तो इसको किसमें लगा देंगे इंसेक्टिवर्स में सी का आपका आंसर हो गया फोर तो सी के फोर किसमें दिख रहा है सी का फोर सी का फोर किसमें दिख रहा है तो ये ए का हो गया बी का हो गया सी सी का फोर इसमें दिख रहा है ठीक है बी वाले में दिख रहा है और डी वाले में दिख रहा है बी वाले में दिख रहा है और डी वाले में दिख रहा है उसकी बात चलो देखते हैं मिला लेते हैं दूसरी बात पहला आपको ये पता चल गया इंडियन पाइप पता चलता है इंडियन पाइप तो जो इंडियन पाइप होता है सैप्रोफिटिक होता है कैसा होता है सैप्रोफिटिक होता है और जो डॉडर होता है वो स्टेम पैरासाइट होता है डॉडर को स्टेम पैरासाइट कहते हैं और रेफिलीसिया जो है ये रूट पैरासाइट इसमें जो मिनरल का न्यूट्रिशन होता है वो रूट पैरासाइट के थ्रू होता है याद रखना है आपको रेफलीसिया सबसे बड़ा फ्लावर भी है है ना और जो इसका जो मैथ्राफ न्यूट्रिशन होता है वो रूट होता है ठीक है रूट पैरासाइट है तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा देखो ए का क्या हो गया टू हो गया बी का क्या हो गया थ्री हो गया सी का क्या हो गया फोर हो गया और डी का क्या हो गया वन हो गया मिला लीजिए जो क्वेश्चन जो आंसर है वो सही हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन सही है ठीक है सेकंड नंबर ये सही है गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग जुड़ते रहें और कमेंट्स को करते रहें ठीक है जो जो आपकी चीजें मतलब क्वेश्चन को करिए और उसका आंसर करिए चलो ठीक है रेड एलगी म्यूसिस टेक्स प्लेस रेड एलगी में म्यूसिस कहाँ होती है टेक्स प्लेस ठीक है या किसमें होती है स्पोरोगोनियम में ठीक है में अस्पर ही लिखा है ठीक है कार्पोगोनियम में या कार्पोस्पोरेंजियम में याद रखना है रेड एलगी में पूछा गया है तो रेड एलगी में मियोसिस कहाँ होती है टेक्स प्लेस है ना तीन नंबर क्वेश्चन है लाल एलगी में अधिक विभाजन होता है किसमें होता है कार्पोस्पोरेंजियम में होता है किसमें कार्पोस्पोरेंजियम में होता है रेड एलगी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट ए द रेट ऑफ फोटो सिंथिस देखो ये असरसन रीजन टाइप क्वेश्चन है असरसन ए दिया है रीजन आर दिया है है ना असरसन रीजन क्वेश्चन दिया है तो कह रहा है द रेट ऑफ फोटोसिंथिस इज हाई इन ब्लू लाइट रीजन कह रहा है द रेट ऑफ फोटोसिंथिस इज हाई इन ब्लू लाइट रीजन बी कह रहा है रीजन में कह रहा है ब्लू लाइट हैज मोन एनर्जी देन रेड लाइट देखो पहला बिल्कुल सही है दूसरा क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया है ठीक है तो इसका आप बता सकते हैं कि ये जो आर है ठीक है पहली बात तो रेट ऑफ फोटो हाई इन ब्लू लाइट ये बिल्कुल सही है देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि फोटोसिंथेस जो होती है उसका जो रेट होता है वो तो ब्लू लाइट में ज्यादा होता है मतलब ये क्या है करेक्ट है ठीक है ए वाला करेक्ट है रीजन कह रहा है ब्लू लाइट हैज मोर एनर्जी देन रेड लाइट जी बिल्कुल गलत मोर एनर्जी नहीं होती तो ये क्या है इनकरेक्ट है तो कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें ए करेक्ट हो बी इनकरेक्ट हो ठीक मतलब आर रांग हो और ए ट्रू हो तो आर इज रंग बट ए इज करेक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये भी असरसन रीजन टाइप में क्वेश्चन है ठीक है कह रहा द सन ऑफ आ कलर ब्लाइंड वोमेन विल ऑलवेज बी कलर ब्लाइंड ठीक है स्टेटमेंट सुनिए कह रहा वर्णान एक वर्णान महिला के पुत्र सदैव वर्णान होंगे रीजन इसका समझिए द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंड इज सेक्स लिंक्ड एंड इट इट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू सन्स फ्राम द मदर एंड नॉट फ्राम द फादर देखिए ये कह रहा है वर्णता के लिए उत्तरदायी जीन सेक्स लिंक्ड होता है तथा पुत्रों में इसका स्नान्तरण इस सदैव माता से होता है पाँच नंबर है ठीक है तो देखो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो सन्स होंगे है ना जो कलर ब्लाइंड होंगे ठीक है तो इसमें क्या है ए वर्णान महिला के पुत्र सदैव वर्णान होंगे गया यह भी करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेशन ये वाला दिया है ठीक है ये करेक्ट है इसका करेक्ट एक्सप्लेशन आर वाला दिया है तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लानशन ऑफ ए आंसर क्या सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टेटमेंट इसमें भी दिया है करा आनड्यू ठीक है इस एन इंसेक्टिवरस प्लांट विच ग्रोज इन नाइट्रोजन डिफेंस बिल्कुल सही है एक जो है वो इंसेक्टी प्लांट है वो कहाँ ग्रो करता है नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करता है है ना दूसरा कह रहा है रीजन कह रहा है इट इट इज इज कॉल्ड कॉल्ड क्यों इसको कहते सो कैन नॉट डू हेंस अट्रैक्ट एंड ईट इंसेक्ट फॉर ये भी करेक्ट है करेक्ट दोनों हैं पहली बात तो करेक्ट दोनों हैं दूसरी बात क्या है कि जो एक्सप्लानशन किया गया है सिक्स का ठीक है जो सिक्स को एक्सप्लेन किया गया है तो ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया है ठीक है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बर आर्ट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा चलो आंसर करते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए ठीक है उम्मीद है सही आंसर करेंगे आप लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि कंप्लीट पैरासाइट इज कंप्लीट पैरासाइट पूछा गया है ठीक है साइंटेलम पार्शियल पैरासाइट है ओरोवेंकी ये भी ये भी स्टेम पैरासाइट है तो इसमें कंप्लीट पैरासाइट की बात पूछी गई है ठीक है लोरेंथस तो इसका जो कंप्लीट पैरासाइट है सात नंबर का वो हो जाएगा आपका ये लिखा है कश ठीक क्या लिखा है कशखस ठीक है

वर्नालाइजेशन, ब्लास्टोमियर क्या कहा जाता है क्लीवेज क्या बोलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जू जूफिली इज पॉलिनेटेड बाई जूफिली का मतलब जू मतलब होता है एनिमल ठीक है एनिमल के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन हो उसको क्या बोलेंगे जूफिली तो जूफिली इज पॉलिनेटेड बाई क्या है बाई एनिमल्स किसके द्वारा एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनको जू बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मेशन ऑफ फिजन कैविटी सोज फार्मेशन ऑफ फिजन कैविटी सोज दस नंबर ठीक है कह रहा है विखंडन गुहा का निर्माण दर्शाता है ठीक है विखंडन गुहा का निर्माण दर्शाता है इंटरपोल पोलेशन ठीक है मीजन काइम कार्क ब्लेंड फेज या ग्रोथ फेज जी बताइए जी गरिमा जी का बिल्कुल सही आंसर है चलो बताइए टेन नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है हिंदी में क्र विखंडन गुहा का निर्माण दर्शाता है अंतर्वलन मेजन काइम पोरक कुंदक प्रावस्था परिवर्त परिवृद्धि क्या दर्शाता है तो ग्यारह का आंसर बताइए जल्दी से कार्क ब्लंड फेज हो जाएगा क्या हो जाएगा कार्क ब्लंड फेज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग सिंगेमी के नाम से जानते हैं है? में जिसको युग्म संयोजन कहते हैं क्या तात्पर्य है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर फ्रॉम वन कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर स्पोर या कॉम्बिनेशन ऑफ साइटो या कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट बताइए ग्यारह का आंसर बताइए जी दस का सी जी बिल्कुल सही ग्यारह का आंसर बताइए जी देखो बता देते हैं जल्दी से जल्दी से कोशिश करते बताने की ये एमरियो है है ना यहाँ पे क्या होता है ये ओव्यूल था ठीक है ओव्यूल के अंदर क्या है यहाँ पे ये है यहाँ पे एग एक्सेल्स होती होता है ठीक है और ये बीच में यहाँ टू पोलर न्यूक्लियाई होती है यहाँ एंटीपोडल सेल होती है दूसरी बात माइक्रोपाइल इधर से आती है क्या लेकर के आती है पोलन ग्रेन लेकर के आती है और पोलन ग्रेन लेकर के आएगी मतलब मेल गैमिट लेकर के आएगी है ना तो एक मेल गेमिट इससे फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल ग्रमिट फ्यूज हुआ उसको तो क्या बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे क्या बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे दूसरी बात दूसरा मेल गैमिट अगर एक ऑपरेटस से फ्यूज करता है तो उसको सिंगमी बोलते हैं क्या बोलते हैं सिंगमी के नाम से जानते हैं और सिंगमी में क्या हो रहा है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज तो कर रहे हैं ठीक तो ग्यारह का क्या हो जाएगा गुड बिल्कुल गुड कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट ये सिंगमी यहाँ से ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पम बनता है पी प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस बनता है ठीक है ये सिंग एमी से चलो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जी गरिमा जी का बिल्कुल सही आंसर है द डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म एक्टोडर्म का डेरिवेटिव बहुत ही जी है डेंटाइन जो होता है ये एक्टोडर्म का डेरीवेटिव होता है ठीक है नहीं डेंटाइन नहीं ये इसका आंसर क्या हो जाएगा इनेमल ठीक है बारह का जो आंसर हो जाएगा वो इनेमल हो जाएगा हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल भी है और एक्टोडर्म ओरिजिन भी है कौन सा एक्टोडर्मली ओरिजिन है और हार्डेस्ट मटेरियल है एक्टोडर्म नेक्स्ट क्वेश्चन द रीजन फॉर द फॉल ऑफ लीव्स फ्रॉम द ब्रांचेस इन ऑटम आर ठीक है कह रहा है ऑटम में पत्तियों का गिरना ठीक है ब्रांचों से का कारण है ठीक है पत्तियों का गिरना ऑटम में ब्रांचेस से उसका क्या कारण है कह रहा कारकामीम फॉर्मिंग एन इंसुलेटेड लेयर आउटर साइड 13 नंबर का ठीक है दूसरा क्या है डिक्रीज इन एटमोसफेयर टेम्परेचर स्टार्ट टाइम ऑफ द डे नहीं द एंड ऑफ द हिज लाइफ ये भी गलत ये भी गलत पहला हो जाएगा कार फार्मिंग एंड आइसोलेटेड लेयर आउटसाइड कार क्या करता है आइसोलेटेड लेयर बना लेता है आउटसाइड इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, जाएगा? जाएगा? बारह का ए हो जाएगा ठीक है तेरह का ए हो जाएगा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही सभी लोग आंसर करें ठीक है जी नेहा सिंह जी का बिल्कुल सही आंसर है तेरह का ए ठीक है गरिमा जी का भी बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा 125 करने हैं अभी तुरंत आपका पूरा रिव्यू हो जाएगा खोपड़ी हिल जाएगी है ना क्वेश्चन अच्छे हैं द प्रोडक्शन विटीकल्चर किसके प्रोडक्शन को विटीकल्चर बोलते हैं बताइए जल्दी से विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स ग्रेप्स मतलब अंगूर ठीक है याद रख लेना है जी बिल्कुल सही सही आंसर ठीक है अच्छा नंबर क्वेश्चन रह गया था द यूनिट ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टुला की जो हो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी तो द यूनिट ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर होती है यूनिट ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर ठीक है इसको क्या बोलेंगे चौदह का ए जी गरिमा सिंह जी का भी सही है और नेहा जी का भी सही है पंद्रह पे आते हैं द प्रोडक्शन ऑफ विच इज कॉल्ड विटिकल्चर विटिकल्चर के लिए ग्रेप्स होता है ठीक है जी बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू सेलुलर डिफ्रेंसिएशन द लिविंग सेल गेट्स कन्वर्टेड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड देखो सेलुलर डिफ्रेंसिएशन में कहना लिविंग सेल जो है कन्वर्ट हो जाती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में उसे क्या कहते हैं इम्रियोनिक सेल डिफ्रेंसिएटिंग सेल ठीक है एक्सक्लूडेड सेल या सरस्वेदी सेल बताइए सोलह नंबर का आंसर बताइए सोलह नंबर का आंसर हाँ तो कहना है सेलुलर डिफरेंशिएशन में जो लिविंग सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में उसको बोलेंगे डिफ्रेंसिएटेड सेल कौन सी डिफ्रेंसिएटेड सेल बोलेंगे 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रा विच लिस्ट मैच और टू को मैच करना है करेक्ट आंसर बताना है आपको कोड दिए हैं ठीक है लिस्ट वन है और लिस्ट टू है है ना सत्रह में देखो क्या है फोटोसेंथिस मिनरल लेवी रिस्पिरेशन प्रोटीन सिंथेसिस आपको इतना पता है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है राइबोसोम में ठीक है रिस्पिरेशन कहाँ होता है माइट्रोकोंडिया में ठीक है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में मिनरल लेवी कहां है प्रोटोप्लास्ट में मिला लीजिए आंसर ठीक है ए का दो हो जाएगा ए का दो है बी का वन है ए का टू है बी का वन है सी का थ्री है और डी का फोर है आंसर आपका बी सही हो जाएगा थ्री क्या सही हो जाए जी बिल्कुल अर्चना जी का सही है गरिमा जी का सही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया रिगार्डिंग सेलुलर डिफरेंशिएशन के बारे में करेक्ट पूछा गया है कि सेलुलर डिफरेंशिएशन में करेक्ट क्या है कह रहा है क्लीवेज एंड सीजन टेक्स प्लेस इन इम्रियोनिक डेवलपमेंट बिल्कुल सही ठीक है ये भी सही है स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म अंडर एट बिल्कुल सही एक तरह का टिश्यू पाया जाता है स्टेज ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन वंस स्टेबिलाईज इन ऑलवेज परमानेंट ये भी सही है तो इसमें क्या हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबो करेक्ट सभी करेक्ट हो जाएंगे ये सभी करेक्ट हैं सत्रह अट्ठारह में जी आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच प्लांट इज कॉमर्शियल कार्क जो कॉमर्शियल कार्क होता है कार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था टी में भी पूछा जाता है पीजी में और जी सब में क्वेश्चन आते हैं ठीक है फाइबर से कार्क से इसेंशियल ऑयल से इन सब में आते हैं ठीक है तो भी कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें क्या हो जाएगा प्लांट कॉमर्शियल कार किसे बोलते हैं या कॉमर्शियल कार किससे ऑप्टेन होता है ठीक है तो किससे क्वेरेक्स से कॉमर्शियल कार ऑपटेन हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा ए जी नंबर जरूर आप लोग डाल दिया करें कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कौन सा इसमें ट्रू है मार्फोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल वेरिएशन कैन बी प्रोड्यूस इन इम्ब्रियोनिक सेल्स पहला ए नंबर हो गया दूसरा है साइटोप्लान एंड न्यूक्लियस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तीसरा है जीन लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एक्सर्ट देयर एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन द होल सेल और चौथा है आल आदि ट्रू बताना है बीस का ठीक है तो जनरली मार्फोलॉजिकल वेरिएशन होती है प्रोड्यूस होती है इम्रोनिक सेल में वहीं से मार्फोलॉजी स्टार्ट होती है साइटोप्लान न्यूक्लियस से डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के जीन जो लोकेटेड होते हैं वो न्यूक्लियस पे लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं ठीक है और उनका जो इफेक्ट होता है वो पूरी सेल के ऊपर होता है चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी का डी हो जाएगा ठीक है जी ट्वेंटी वन करा दोडान पार्ट इज द स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटी कोडान वाला जो पार्ट होता है ठीक है वो द स्ट्रक्चरली इम्पॉर्टेंट फॉर आपको पता होगा ठीक है एंटी कोडान ठीक है ये कौन सा आर एन ए है ठीक है याद रखना है यहाँ पे अमाइनो एसिड होता है ठीक यहाँ पे कोड होते हैं ठीक है कोड को कोड करने वाला कौन सा आर एन ए है बताइए जल्दी से कौन सा आर एन ए है आर आर एन ए टी आर एन एम आर एन ए और एन आर एन ए इसका हो जाएगा ट्रांसफर आर एन ए होता है ठीक है

Uh, कोडान को पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड बनते हैं ठीक है वो ट्रांसफर आर एन ए होता है और ये आपको मालिकुलर जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी ठीक है विच आर द्लीव क्लियव न्यूक्लियाई इन अ सेल है ना हिंदी में पढ़ देते हैं कोशिका में विदलित सभी केंद्र किस प्रकार के होते हैं कोशिका में विदलित सभी केंद्र किस प्रकार के होते हैं ठीक है एक समान गुण वाले होते हैं एक समान क्षमता वाले होते हैं उपयुक्त दोनों हमेशा विपरीत गुण एवं क्षमता वाले होते हैं बताइए हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर पोटेंशियल भी होती है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं गलतियों से इंसान सीखता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही करो आप लोग है ना तो जो क्लीव्ड न्यूक्लियाई हो सेल में अंदर जो है पाई जाती है उनमें क्या होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज भी होती हैं और सेम पोटेंशियल भी होती है आंसर सी सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ये तो पता होगा का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आप में भी पीजीटी जीएसटी सब में ये क्वेश्चन मिला है ठीक और पूछा भी जा चुका है ठीक है तो हम एक बार फिर बता दे रहे हैं क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी देखो ध्यान से सुनना ठीक जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसको हम लोग ई e से e से लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ती है जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है ठीक है तब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी रेट ऑफ रिएक्शन इसको आप दिल दिमाग तिल्ली गुर्दा जिगर फेफड़ा इंटेस्टाइन में भी बैठा लो ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ठीक है अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन के होगा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ठीक है अगर रेट ऑफ रिएक्शन को जल्दी करवाना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना पड़ेगा ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन क्यों एंजाइम इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि बाई रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वो क्या करते हैं एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन द रिजल्ट ऑफ मार्फो मार्फोजेटिक वेरिएशन इज मार्फोजेनेटिक वेरिएशन का रिजल्ट क्या है माइटोटिक फा या मेच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ लोकेटेड द पर्टिकुलर साइट या 24 जी मार्फोलॉजिकल वेरिएशन जो होती है उसमें माइटोटिक फेनामिना भी देखी जाती है मेच्योरेन न्यूक्लियस भी देखा जाता है और क्रोमोसोम की एक्टिविटी भी देखती जाती है जो पर्टिकुलर साइट पे लोकेटेड होता है इसका आंसर हो जाएगा डी जी आंसर क्या हो जाएगा डी चलो जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आंसर करा करिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए ठीक है जिनके गलत हो रहे हैं परेशान मत हो उनके सही होंगे ठीक है बिल्कुल परेशान ना हो उनके सही होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी फाइव पे क्लाइंट फेंटर ट्रेड पॉपुलेशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट फेंटर बताना है आपको ट्रेड बताना है ये तो सभी को आता होगा ये इलेक्स होता नहीं है हाँ ये हो सकता है एक्स एक्स वाई एक बढ़ जाता है फोर्टी सेवन क्रोमोसोम हो जाते हैं ठीक है फिफ्टी फोर्टी सेवन क्रोमोसोम हो जाते हैं क्लाइन फेंटर में डाउन सिंड्रोम में फोर्टी सेवन होते हैं पटाऊ सिंड्रोम में फोर्टी सेवन होते हैं इस समय फोर्टी सेवन सेवन क्रोमोसोम होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा टू एक्स टू वाई नहीं होता है ठीक टू वाईक्रोमोसोम ऑलि नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है जी बिल्कुल सही गरिमा जी का सही आंसर ठीक है जी और फोर्टी फोर का भी सही था सभी लोग पार्टिसिपेट करें आंसर दें जल्दी जल्दी मैजिक बबल्स बुलेट्स आर क्वेश्चन पूछा जाता है मैजिक बुलेट्स आर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन मोनोक्लोन एंटीबॉडीज या कीमोथेरेपी फॉर कैंसर या एनाबोलिक स्टेरॉइड बताइए मैजिक बुलेट्स किसे बोलते हैं तो मैजिक बुलेट्स किस में यूज की जाती है कैंसर में यूज की जाती है आपको याद रखना है और कैसा कैंसर कीमोथेरेपी फॉर कैंसर कीमोथेरेपी जो कैंसर के लिए किया जाता है अच्छा कीमोथेरेपी क्यों की जाती है कीमोथेरेपी इसलिए की जाती है जो कैंसर सेल का ग्रोथ हो रहा होता है बॉडी के अंदर वो क्या करें रुक जाए है ना ग्रोथ रुक सकता है लेकिन कैंसर खत्म नहीं होता है ठीक है वो चाहे लास्ट स्टेज हो शुरुआत में अगर डिटेक्ट हो गया तो उसको सप्रेस किया जा सकता है बस लास्ट में लास्ट स्टेज में उसको बचाया नहीं जा सकता है तो उसमें कीमोथेरेपी करवाई जाती है कीमोथेरेपी में क्या होता है ढेर सारी ड्रग्स जो भी कैंसर को रोकने वाली हैं उसकी जो ओवर ग्रोथ है उसको रोकने वाली हैं वो उसमें मिला करके थेरेपी दी जाती है ठीक है फ्लूड में डाल करके और इंजेक्ट करवाया जाता है और काफी समय तक चलती है एक दिन में ठीक है तो वो कीमोथेरेपी होती है कैंसर के लिए मैजिक बुलेट जो बोलते हैं उसको कीमोथेरेपी फॉर कैंसर के लिए होती है इसी को बोलते हैं ठीक है थीके? हाँ जी बिल्कुल सही तो कीमोथेरेपी फॉर कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द एक्स इन द ब्रेक्योस्टोमा आर ये तो बहुत इंपॉर्ट इजी है एलपिट्स होता है ठीक जो ब्रेकिस्टोमा होता है उसके एक्स को क्या बोलते हैं एल्पिट्स बोलते हैं ठीक है ये पता होगा एल्पिट्स बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलो वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर शोज ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल एट द साइड कर रहा है वो पौसा ट्यूमर है ठीक है जो ग्रो करता है किस फॉर्म में कैप्सूल के फॉर्म में उस ट्यूमर का नाम बताइए ठीक है एट द साइड जहाँ से ओरिजिन होता है ठीक है और वहाँ पे कैप्सूल लाइक -like ग्रोथ बन जाती है उस ट्यूमर का नाम बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिनाइन ट्यूमर मलिग्नेट ट्यूमर वो तेनबी नान ना जी तो याद रखना है बेनाइन ट्यूमर होता है एक कंडीशन और याद रख लीजिए बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो ट्यूमर में इंसान बच जाता है लेकिन मलिग्नेंट ट्यूमर में नहीं बच पाता है रीजन क्या है देखो बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये एट एट पर्टिकुलर साइट पे हुआ बेनाइन ट्यूमर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर साइड पर हुआ और क्या कर दिया गया वहाँ पर सर्जरी करके उस ट्यूमर काजिंग जो सेल होती है उनको निकाल दिया गया पूरी बॉडी सेफ रहती है लेकिन मलिग्नेट में क्या होता है जो ट्यूमरस सेल होती है जहां प्रोलीफरेट तो कर रही है वहां से ट्यूमरस सेल निकल करके ब्लड में आ जाती है और जैसे ही ब्लड में आ जाएगी पूरे शरीर में फैल जाएगी और पूरे शरीर में जहां जहां वो रुकेगी वहां ट्यूमरस सेल काज करने लगेगी वो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा ट्यूमर हो जाएगा कैंसर हो जाएगा उस कंडीशन में इंसान की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है तो मलिग्नेंत में इंसान की डेथ हो जाती है लेकिन ट्यूमर बेनाइन में डेथ नहीं होती है ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा और वहां पे कैप्सूल बना दिया जाता है इसी कैप्सूल को निकाल दिया जाता है और इंसान बच जाता है वो आंसर हो जाएगा आपका बेनाइन ट्यूमर जी ट्वेंटी एट का हो जाएगा ए ट्वेंटी एट का ए हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है ना सभी लोग सुने ट्वेंटी नाइन कह रहा है डीएनए ऑफ एन यूजुअली हैपेंस ठीक है जो माइटोकॉंडिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है न्यूड होता है टू पॉइंटेड होता है सर्कुलर होता है याद रखना है आपको सभी तरह का उसमें होता है न्यूड भी होता है टू पॉइंटेड भी होता है और सर्कुलर भी होता है ठीक है न्यूड टू पॉइंटेड और सर्कुलर सभी होता है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा जी बिल्कुल सही सभी का आंसर सही विच रे कैन बी हेल्पफुल इन काजिंग कैंसर या ट्यूमर फॉर्मेशन सभी को पता है चाहे वो अल्फा रेज हो चाहे बीटा रेज हो ठीक चाहे रेज हो, ठीक है? ये, इन सब में क्या होता है हम्म तो इन सब में क्या होगा सभी सभी से कैंसर फॉर्म होता है है ना यहाँ पे जो लिखा है यहां गामा रेज लिखा है यहाँ गामा रेज होगा ठीक है ये गामा रेज होगा ठीक है तो एक्स रेज बीटा रेज गामा रेज सभी क्या करती है कैंसर काजिंग होती है जी बिल्कुल सही ट्वेंटी नाइन का डी बिल्कुल सही गरिमा जी का सही है ठीक है? चलो अर्चना जी का भी सही है चलो थर्टी का भी अर्चना जी का सही है चलो next question, इन की में जो लारवा पाया जाता है उसको बोलते हैं रेबिटी फॉर्म लार्वा कौन सा होता है रेबिटी फार्म लारवा एक लाइन का क्वेश्चन है सभी को आता होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स प्लेस इन द ड्रोसोफिला हाउ मेनी मोर डिविजन आर दियर आफ्टर दैट हिंदी में सुन लीजिए थर्टी टू का कह रहा है जब डोसो के जयगोट में नौवा विभाजन होता है और जब वह अंडे की सतह की ओर बढ़ जाता है तो उसके पश्चात और कितने विभाजन होते हैं ठीक है तो नौ विभाजन तो हो ही चुके हैं जब वो सतह पहुँच जाता है तो उसके पश्चात और कितने डिवीजन होते हैं तो याद रखना है पहले आप लोग आंसर दें देख लें कितने लोग आंसर देते हैं ठीक है हाँ फोर टाइम एट टाइम ट्वेल्व टाइम और सिक्सटीन टाइम तो उसके बाद वो कितने टाइम डिवाइड करता है फोर टाइम डिवाइड करता है ठीक है अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन अच्छा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले विच ग्लैंड इज फाउंड इन काकरोच काकरोच में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है सभी को पता है कोलेस्ट्रल ग्लैंड काकरोच में पाई जाती है इजी क्वेश्चन था है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सेगमेंट आर दियर इन द हेड ऑफ फर्स्ट इंस्टार लार्वा ऑफ द ड्रोसोफिला कितने सेगमेंट होते हैं इंस्टॉल लार्वा डोसोफिला के हेड में ठीक है डोसोफिला के जो लार्वा होता है जिसको इंस्टॉल लार्वा बोलते हैं उसमें कितने हेड होते हैं बताइए हाउ मेनी सेगमेंट हेड के सेगमेंट पूछा गया है इंस्टॉल लार्वा में वन टू थ्री फोर कितने पाए जाते हैं जल्दी से बताइए कितने सेगमेंट पाए जाते हैं जी कितने सेगमेंट पाए जाते हैं तो एक ही सेगमेंट पाया जाता है ड्रोसोफिला का जो तो इंस्टॉल लार्वा होता है उसमें एक ही सेगमेंट पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही आंसर रैबिट डाइजेस्ट सेलोज विद द हेल्प ऑफ रैबिट जो सेलोज डाइजेस्ट करेगा वो किसकी सहायता कौन सा एंजाइम की सहायता से करेगा ठीक है ट्राइको निम्फा की जैसे गलत ट्रिप्सिन की वजह गलत ट्राइकोसिस्ट की वजह गलत तो क्या हो जाएगा सेलुलेज हो जाएगा सेलुलेज एंजाइम की सहायता से रैबिट्स क्या करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं गाजर खूब खाते हैं चलो द अनफर्टिलाइज एग ऑफ ड्रोसोफिला इज सराउंडेड बाई अ स्पेशल स्ट्रक्चर नेम ठीक ड्रोसोफिला का जो अन एग होता है उसके सराउंडिंग में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका नाम बताना है ठीक है एग सेल कोरियोन ओवेरियन वाल सेल वाल प्लाज्मो लेमा. ठीक है सॉरी प्लाज्मा लेमा बताइए आंसर जी बिल्कुल सही हाँ, तो अनफर्टिलाइज एक जोरसोफिला के अनफर्टिलाइज एग के सराउंडिंग में एक, एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोलते हैं एक सेल अनफर्टिलाइज एग है उसको क्या बोलेंगे एक सेल या उसको कोरियोन के नाम से जानते हैं किसके नाम से एक सेल या कोरियोन के नाम से जानते हैं जी बिल्कुल सही आंसर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द रैपिड मूवमेंट ऑफ सीजिया एंड ऑक्टोपस इज अफेक्टेड बाई रैपिड मूवमेंट किसका सीजिया का और ऑक्टोपस का अफेक्ट होता किसके द्वारा फास्टर नेबरिंग एनिमल आसपास के जो एनिमल होता है उनके द्वारा नहीं वेव्स ऑफ द साइड विंग बिल्कुल नहीं उस पर असर ही नहीं करता है ठीक है एट फेसिंग ऑफ आर्म हाँ उनके आर्म जो हैं एट होती हैं ठीक है, तो आ, है उनके रैपिड मूवमेंट में वही क्या करती हैं अफेक्ट करती हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कर द मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टीज इन द मार्फोजेनेसिस ऑफ ड्रोसोफिला ठीक है इफेक्टिव प्रॉपर्टीज बताना है किसकी मार्फोजेनेसिस ऑफ ड्रोसोफिला की ठीक है हिंदी में सुन लीजिए एक बार हिंदी वाले ड्रोसोफिला के मार्फोजेनेसिस में सबसे प्रभावी गुण है क्या है कंप्लीट डेवलपमेंट इन द अगार पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द बॉडी ठीक है मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी बताना है मार्फोजेनेसिस में कंप्लीट डेवलपमेंट इन द अगार पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द बॉडी जी बिल्कुल सही यही सही है फुल डेवलपमेंट ऑफ ओनली इन द इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट पार्ट विच इंक्लूड द हेड गलत एंटीरियर में होता है कंप्लीट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लिएबल विंग्स ये भी गलत ना ना इसमें कौन सा हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा ठीक है जी थर्टी एट का ए आंसर हो जाएगा ठीक है वो अगार पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द बॉडी में होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही करीमा जी का सही सभी लोग जुड़, जुड़े जल्दी जल्दी कह रहा था डिस्टिंक ऑर्गन ग्रुप आर इसमें डिस्टिंक्ट ऑर्गन कौन से ग्रुप में पाया जाता है है ना थर्टी का एक बार हम हिंदी में बताना चाहेंगे हिंदी में क्या है कह रहा है प्रवाह अंग समूह सुस्पष्ट होते हैं प्रवाह अंग समूह ठीक है डिस्टिंग ऑर्गन ग्रुप आर इंसेक्टा में मोलस्का में एनिडा में प्लेटी में 39 किसमें में, में किसमें दिखाई देगा डिस्टिंग ऑर्गन को किसमें दिखाई देते हैं मोलस्का में किसमें मोलस्का में आंसर क्या हो जाएगा मोलस्का हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है कॉम्पिटेंस मीन्स कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस कंपटीशन बिटवीन टू न्यूक्लिय एन अर्ली इम्रियो अनहेल्दी एंड सिक फिटस ठीक है इसमें नहीं होगा इसमें ये इसमें भी नहीं होता है एन अर्ली इम्रियो में होता है कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एन अर्ली इम्रियो ठीक है ये हो जाएगा फोर्टी नंबर फोर्टी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा है ना जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही चालीस का सी गरिमा जी का बिल्कुल सही है चालीस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो डेंगू फीवर स्प्रेड होता है किस मॉस्किटो से याद रखना है एडीज ठीक है हमने बताया भी था इसका ट्रिक भी बताया था डी फॉर डेंगू ए फर एडीज डी आ जाता है डेंगू में एडीज आ जाता है तो याद रखना एडीज फॉर डेंगू नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए आंसर क्या होगा उसका हाँ जी अरे प्राइमरी जर्मिनल लेयर ऑफ फ्राग फ्राग की जो प्राइमरी जर्मिनल लेयर होती है ठीक है फ्राग इम्रियो की वो पाई जाती है मीजोडर्म से ठीक है द प्राइमरी जर्मिनल लेयर ऑफ द फ्राग इम्बरीओ इज फाउंड फ्रॉम द मीजो ठीक है क्यों क्योंकि सभी मसल आल मसलिस कनेक्टिव टिश्यू आल आप जल्दी से बताए हिंदी में बता रहे हैं मेढक के भ्रूण के प्राथमिक जनन स्तर मीजो से बनता है क्या क्या बनता है मीजो से क्या क्या बनता है सभी मसल बनती हैं डर्मिस बनती है कनेक्टिव टिश्यू बनती हैं या ऑफ आला ठीक है क्या बनता है आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा फोर्टी टू का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आल डर्मिस भी बनती है मीजो से मसल्स भी बनती हैं कनेक्टिव टिश्यू भी सब मीजो डरमली ओरिजिन होते हैं फ्रॉग में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी कोई दिक्कत नहीं सभी का सही रहेगा इजी क्वेश्चन स्कर्बी डिसीज ड्यू टू ऑफ स्कर्बी सबको पता है विटामिन डी से होते हैं खट्टे फल को खाने से कमियाँ दूर होती हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज़ बीन नोन फ्रॉम मॉडर्न साइंस एविडेंस दैट द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर कह रहा है आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों से यह ज्ञात हो चुका है कि वंशागति इकाइया होती हैं जो वंशागति इकाइया होती हैं देखो जो भी आपको यूनिट पूछ लिया जाए इनहेरिटेंस की तो याद रखना जो जीन लोकेटेड होते हैं जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन साइड द न्यूक्लियस कहाँ पे जीन लोकेटेड होते हैं जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसाइड इन द न्यूक्लियस वहीं से चेंजेस होते हैं ठीक है इनहेरिटेंस वहीं से जीन का ही जो चेंज होता है 99.9% डीएनए सभी का सेम होता है 0.1% डीएनए चेंज होने के कारण हम लोग डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं मार्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ही आंसर हो जाएगा जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस ठीक है 44 का आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ब्लड शुगर इज कंट्रोल बाई द कह रहा ब्लड शुगर इज कंट्रोल इन द बॉडी बाई एडनिन ओनली गलत इंसुलिन ओनली बिल्कुल सही ठीक है बीटा सर से क्या निकलता है इंसुलिन के जो बीटा सेल होती है वो सॉरी पैंक्रियाज की बीटा सेल जो होती है उससे क्या निकलती है इंसुलिन निकलती है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है डायबिटीज़ हो जाता है ठीक है कौन सा होता है डायबिटीज़ होता है ठीक है तो याद रखना है आपको बाई इंसुलिन ओनली ब्लड शुगर इज़ कंट्रोल इन द बॉडी बाई इंसुलिन ओनली ठीक है इंसुलिन की अगर कमी हुई ठीक है तो डायबिटीज़ स्टार्ट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कितने लोग सही आंसर देते हैं फोर्टी फाइव का जी नुमान जी का फोर्टी फाइव का थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है चलो कोई दिक्कत नहीं जी लोकेटेड इन साइड फोर्टी सिक्स पे आते हैं इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है उसमें क्या होता है ठीक है वो क्या शो करते हैं बताइए करा कोशिका द्रव्य वंशागति में पैटर्नल ट्रेट शो करते हैं पैटर्नल ट्रेट शो दियर इफेक्ट मैटर्नल ट्रेड शो दियर इफेक्ट पैटर्नल शो जो होते हैं वो इफेक्ट को शो करते हैं या मैटर्नल शो करते हैं या नो वन शो हीज इंफ्लुएंस याबाउ फोर्टी सिक्स ठीक है देखो अगर हम साइटो प्लाजमी इनहरिटेंस की बात कर लें तो पैटर्नल से पैटर्नल तो नहीं शो करेंगे क्या शो करेंगे मैटर्नल ट्रेड शो करते हैं इफेक्ट को क्योंकि फीमेल कैरियर होती है ठीक है मैटर्नल ट्रेड जो होते हैं वो शो करते हैं अपने इफेक्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलो फोर्टी सिक्स का बी आंसर अर्चना जी का सही है गरिमा जी का भी सही है नौमान जी का भी सही है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात फोर्टी सेवन वैसेक टॉमी मीन सभी को पता है वैसेक टॉमी ट्यूबेक्टोमी दो होती है ठीक है एक ट्यूबेटोमी होती है और दूसरा वैसेक टॉमी होती है है ना तो जो वैसेक टॉमी होती है वो मेल में डिफरेंस कट कट की जाती है क्या वॉस डिफरेंस जो होती है वो कट की जाती है ठीक है और फीमेल में क्या होती है फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब कट की जाती है फैलोपियन ट्यूब कट की जाती है ठीक है ये ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में और मेल में होता है वैसेक्टोमी ठीक है चलो इसका आंसर क्या है वैसेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस वॉच डिफरेंस को रिमूव कर देना या वॉस डिफरेंस पे कट करके गांठ लगा देना उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी एस्ट्रोजन टेस्टोजन एंड्रोजन ये सब नहीं होंगे जी बिल्कुल सही अर्चना अमृत्या गरिमा शाहनाज नौमान जी सभी लोगों का सही है जी बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल्स विच आर सुटेबल फॉर न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट आर हिंदी में समझ लीजिए कि न्यूक्लियर स्थानांतरण प्रयोग में उपयुक्त होने वाली सामग्री है तो कौन सी सामग्री मटेरियल से यूज कर न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट के लिए जो सामग्री है वो कौन सी है न्यूक्लियस है टिश्यू है है 48 तो है है ऑफ दीज तक बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं न्यूक्लियस भी होना जरूरी है टिश्यू भी होना जरूरी है इमरियो भी होना जरूरी, है, भी होना जरूरी है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा फोर्टी एट का डी हो जाएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन एटलस वर्टिब्री इन रेबिट आर रिकॉग्नाइज एज एटलस वर्टिब्री फर्स्ट वर्टिब्री होती है ह्यूमन में ठीक है एटलस वर्टिवरी जो है वो फर्स्ट वर्टिब्री होती है ह्यूमन में क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है कि वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है जहाँ एटलस वर्टिब्री होती है तो वहाँ पे पाइवर्ड जॉइंट होता है कौन सा पाइवर्ड नेक में कौन सा जॉइंट होता है ठीक है जहाँ से वर्टिब्री स्टार्ट होती है तो पाइवर्ड जॉइंट होता है चलो एटलस वर्टिब्री इन रेबिट आरिकोगनाइज कैसे रिकोगनाइज करना है कि रेबिट में एटलस वर्टिब्री होती है ठीक है तो इसका क्या करें लैक ऑफ वर्टिब्रल बॉडी लैक ऑफ पाइनियर ऑफ ऑप्शन स्पर ऑल ऑफ दिम्टम बताइए फोर्टी नाइन जी उसमें क्या लय का वर्टीपल बॉडी भी होती है लय का पाइनियर ट्रेंड्स भी होते हैं ऑप्शन ऑफ पोस्टियर स्पर भी होते हैं ऑल ऑफ दीज हो जाएगा जी फोर्टी एट का सही है सभी का सही है फोर्टी एट का भी सभी का सही है है ना और फोर्टी नाइन का बताइए जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ ट्रांसफर इन न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट कैन बी टाइप बताना है आपका ट्रांसफर इन न्यू, न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट होता था न्यूक्लियर ट्रांस जी बिल्कुल सही है आंसर है ना इसमें भी सभी का सही जा रहा है जी बिल्कुल सही सभी लोग बने रहें सीखते रहें कह रहा है न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट कैन बी होमोप्लास्टिक ऑटोप्लास्टिक हेट्रोप्लास्टिक या आला दैबो पचास नंबर जी ये भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है यह टाइप जो है ट्रांसफर का कौन सा ट्रांसफर का न्यूक्लियर ट्रांसफर में ये हो सकता है होमोप्लास्टिक भी हो सकता है आटो भी हो सकता है हेट्रो भी हो सकता है तीनों तरह का हो सकता है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा फिफ्टी का डी जी बिल्कुल सही नौमान जी का सही गरिमा जी का भी सही और देखते किनों लोग सही आंसर देते फिफ्टी वन हाँ लीच ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिपेरिन इंसुलिन पेप्सिन इसका आंसर हीरोडीन होगा ठीक है एरिया के नाम से जानते हैं ना तो इसका आंसर क्या होगा हीरोडीन होगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शो दैट ईच न्यूक्लियस करूक्लियस ऑफ आर डिफ्रेंशिएटेड सेल कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स हर एक न्यूक्लियन न्यूक्लियस uh, में जो कि डिफ्रेंशिएटिव सेल है उसमें क्या होता है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स होता है रिक्वायर फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट वो किसके लिए रिक्वायर होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ठीक है निम्नलिखित किस प्रयोग पर दर्शित होता है कि एक विभेदीकृत कोशिका के प्रत्येक केंद्र में सामान्य विकास हेतु तो आवश्यक जीनों का एक पूर्ण से पाया जाता है न्यूक्लियर बताइए चलिए न्यूक्लियर फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर डिस एक्सपेरिमेंट बताइए फिफ्टी टू जी बिल्कुल सही फिफ्टी टू का भी बिल्कुल सही कौन सा न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट इसमें क्या हो जाएगा न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन

पोरीफेरा में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्टी फोर द कॉम्बिनेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है सभी को पता है बिटवीन टू आइडेंटिकल गैमेट गलत मेल मेल थोड़े ना हो सकता है बिटवीन स्मॉल एंड बिग गैमेट गलत वन मेल गैमेट बिट अनदर मेल गैमेट बिल्कुल गलत बिटवीन वन मेल गैमिट एंड अदर फीमेल ये बिल्कुल सही है ठीक है कॉम्बिनेशन दैट लैक्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में मेल गेमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करते हैं जाइगोड बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉकरोच क्या है जी अर्चना जी गरिमा जी अमृत्या जी ठीक है बताइए कॉकरोच इज अमीन एक््रिएसन अमोनिया स्क्रिएसन यूरिक एसिड स्क्रिएसन या यूरिया स्क्रिएसन स्क्रेटिव प्रोडक्ट पूछा गया है कॉकरोच का तो कॉकरोच का जो स्क्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है याद रखना है आपको फिफ्टी फाइव ठीक है फिफ्टी सिक्स पे आते हैं द स्टिग्मा सिक्रेट सिक्रीशन इज कॉल्ड ठीक है स्टिग्मा क्या सिक्रेट करती है सिक्रीशन उसे क्या कहते हैं हिंदी में पढ़ देते हैं निकाग जो नीसराव का श्रवण करता है कहलाता है सिक्रीसन का तो निश्राव ठीक है ह्यूमिड हुँ, स्टिग्मा होगी या ड्राई होगी या डिस इंटीग्रेटेड स्टिग्मा होगी या तो याद रखना है सिक्रीशन क्या सिक्रीशन को सिक्रीट किया जाने वाला जो स्टिग्मा सिक्रीट करते है उसे कहते हैं ह्यूमिड स्टिग्मा क्या कहते हैं ह्यूमिड स्टिग्मा जी बिल्कुल सही हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फ्लेम सेल्स आर फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? याद रखना है फ्लेम सेल्स जी फ्लेम सेल्स का कारण देखते कितने लोग बताते हैं फ्लेम सेल्स आर ब्रीडर एक्सक्रिएशन के लिए होती हैं, सेंसरी के लिए होती हैं, प्योरीफायर के लिए होती हैं। किसके लिए होती है फ्लेम सेल बताइए फिफ्टी सेवन का आंसर दीजिए फ्लेम सेल्स देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है फिफ्टी सेवन का बी गरिमा जी का बी अर, अर्चना जी का बी अमृता जी का भी बी फिफ्टी सेवन अर्चना यादव का भी बी चलिए ठीक गुड फ्लेम सर स्क्रेशन में काम आती है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द पॉलेंट ट्यूब्स इंटर ओविल डिफरेंट प्लांट देखो बता देते क्वेश्चन समझ जाइए आप ये अम्रिय सैक हैं हाउ कैन द पोलन ट्यूब इंटर दूल इन डिफरेंट प्लांट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में क्या क्या पोल ट्यूब यहाँ से ना होकर के कहीं और से जाए तो जैसे अगर ये चलाजल इंड हो गया अगर पोल ट्यूब यहाँ से इंटर करते उसको चलाजोगी कहते हैं ठीक है यहाँ से गहमी यहाँ से कर अगर यहाँ से करती है तो ये इंडमेंट है मीजोगी है ना तो इस तरह माइक्रोपाइलर इंड से ना होकर के अलग अलग प्लांट में ठीक है कहाँ पर जी बिल्कुल सही अमृत्या जी का सही आंसर आ गया जी पोरोगी भी हो सकता है चलाजोगी भी हो सकता है मीजोगी भी ठीक है और क्या नहीं होगा ठीक है माइक्रोपेलेंट में नहीं होगा चलो नेक्स्ट बेडर्स वॉल्व इज ब्लैडर वार्म इज क्या है लार्वा सिल्क वार्म का है इम्रियनिक स्टेज का है इम्रियनिक स्टेज ऑफ टीनिया या कॉमन नेम ऑफ स्कैरिस या पाउस कंटेनिंग यूरिन बताइए ब्लैडर वॉर्म क्या है जी जी सभी का आंसर सही है चलिए अमृता जी का भी सही है सहनाद आ, सहनाद जी का भी सही नौमान जी का भी सही अर्चना जी का भी सही गरिमा जी का भी सही नौमान जी का भी सही चलिए सबका आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्लैडर वार्म इज ब्लैडर वार्म क्या है ठीक है तो ब्लैडर वार्म आपको याद रखना है ये इम्ब्रोनिक स्टेज ऑफ टीनिया टीनिया की इम्ब्रोनिक स्टेज होती है ब्लैडर वार्म नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है द फीमेल इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल गेमिटोफाइट को क्या बोलते हैं प्लांट के फीमेल गेमटोफाइट को क्या बोलते हैं बाईिच आर द फॉलोइंग स्टिग्मा नहीं ठीक है कॉटिलिडन बिल्कुल नहीं इन दोनों में बताइए देखते कितने लोग बता पाते हैं 60 का बी कार्पेल देखते कितने लोग बताते हैं जी जी बताइए द फीमेल गेमटोफाइट इज आल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं क्या होगा कार्पेल होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्पेल हो जाएगा जी बिल्कुल सही आंसर गरिमा जी अमृत्या जी है ना? ना नौमान जी सभी का बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑन विच साइड टू ओवरीज डेवलप इन अ फीमेल बर्ड में फीमेल बर्ड में पूछता है की ओवरीज डेवलप होती है वो किस साइड में डेवलप होती है लेफ्ट साइड राइट साइड बोर्ड साइड या बोथ साइड बट ओवी बताइए सिक्सटी वन बताइए तो याद रखना है बर्ड में जो ओवरीज डेवलप होती है वो कहा होती है लेफ्ट साइड डेवलप होती है डेवलप होती है लेफ्ट साइड डेवलप होती है फॉलोइंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सैक हिंदी में समझ लीजिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लंबाई में वृद्धि एवं विकास से रूड पोस्ट का विकास प्रारंभ हो जाता है है ना निम्नलिखित में से किसकी लंबाई में वृद्धि एवं विकास से भ्रूट पोस्ट का विकास प्रारंभ हो जाता है द एबो एक्सीक्यूटिव मेगा स्पोर या इन इनएक्टिव एक्टिव मेगा स्पोर या इंटमेंट या बताइए जी सिक्सटी टू का हो जाएगा द एबो एक्सीक्यूटिव मेगा स्पोर मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे उपरयुक्त कार्यकारी मेगा स्पोर ठीक है इसी की वजह से क्या है? स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट आप किसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि प्राइमरी इंडियो पर न्यूक्लियस बनता है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन आर्ट हार्ट इज लोकेटेड पेस मेकर कहाँ होता है जल्दी से बताओ आप लोग जल्दी जल्दी पेस मेकर हार्ट में कहाँ होता है हार्ट में पेस मेकर कहाँ होता है उस दिन बताए भी थे ठीक है कहाँ होता है राइट एट्रियम में होता है राइट एट्रियम में कहा पे होता है तो अपर ठीक है अपर लेटरल साइड कहाँ होता है अपर एट्रियम नेक्स्ट बीनीथ द सुपीरियर वा ठीक है बिनीथ दा सुपीरियर बेनाका सुपीरियर वा ठीक है यहां पे होता है क्या बोलते हैं एसे नोड इसको क्या बोलते हैं एसे नोड ठीक है साइनोवर्ट्रियल नोड ठीक है पेसमेकर दिया किसने था ग्रेट बैक एंड चार डाक साहब ने बैक एंड साहब ने दिया था ठीक है बैटरी किसकी लगती है लिथियम हाईलाइट की बैटरी लगती है इसमें लिथियम हाईलाइट की बैटरी लगती है लिथियम हाईलाइट की बैटरी लगती है दस से बारह साल चल जाती है ठीक है याद रखना है आपको तो कहाँ होता है राइट एट्रियम में होता है बहुत ही जी क्वेश्चन था जी सभी का ए आ गया जी गरिमा जी अर्चना जी नौमान जी ठीक है सभी का ए आ गया सभी लोग आंसर करें ठीक है सभी लोग आंसर करें द सेल्स लोकेट ऑन द माइक्रोपाइल साइड एंड साइड ऑफ एंड प्राइमरी डेवलपमेंट पूछ रहा है ठीक है एंड इंडोस्परम साइड एक माइक्रोपाइल साइड दूसरा इंडोस्पम साइड ऑफ द प्राइमरी इम्ब्रियो ठीक है उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल एपिकल एल एंड बेसल सॉरी एपिकल एंड एंड बेसल बेसल सेल 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 बताइए जल्दी से 64 का आंसर क्या हो जाएगा सॉरी टर्मिनल उल्टा बता दिए ठीक है जो माइक्रोपायल वाली साइड वाली होती है वो कहाँ होती है तो हो बेसल uh, सेल में होती है और जो एंडोस्पर्म वाली होती है वो टर्मिनल में होती है तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा ठीक है सिक्सटी फोर का बी जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमाइनो एसिड हैज द फार्मूला सी सिक्स एच सेवन एन किस अमीनो एसिड का फार्मूला है बताइए लाइसिन नहीं आर्जिनिन नहीं एलेनिन हाँ ये एलेनिन का फार्मूला है और एलिन है क्या एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है ठीक क्या है न्यूट्रल अमाइनो एसिड है एलिन याद रखना है आपको अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही आंसर जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग व्हाट डज सीथ ऑफ द ओव्यूल डेवलप फ्राम वॉट डज सीथ ऑफ ओव्यूल ओविल का जो सीथ होती है वो डेवलप होती है ठीक है और क्या बनाती है इम्रियो स्टिग्मा फाइबर या कॉटिलेडन या टेस्टा बीजাণ का अध्यावरण विकसित करके क्या बनाता है ठीक है तो जो सीत होती है वो डेवलप करके कॉटीलेडन बना देती है डाइकोट में एक कॉटीलेडन सॉरी डाइकोट डाइकोट में दो कॉटीलेडन मोनोकोट में एक कॉटीलेडन ठीक है तो वो क्या बना देती है कॉटीलेडन बना देती है इजी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चलो जी बिल्कुल सही आंसर हम फ्लोएम फ्लोएम इन एनजियपन इज मेड अप फ्लोएम किससे बना होता है फ्लोएम पैरेंकामा एल्ब्यूमिन सेल और सी ट्यूब से बिल्कुल गलत ठीक है बिल्कुल गलत कह रहा फ्लोएम पैरेंकाइमा सी ट्यूब्स और आर्टिकुलर सेल्स बिल्कुल सही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा याद रखना है आपको कि जो फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म में जो बनता है फ्लोएम पैरेंकाइमा होती है सी ट्यूब्स होती हैं आर्टिकुलर सेल्स भी होती हैं सी कह रहा है सी ट्यूब एंड ये भी गलत एल्ब्यूमिन से भी गलत इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सिक्सटी सेवन का बी हो जाएगा देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं जल्दी से आंसर करिए हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जी सभी का सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टिश्यू मेड अप आफ टू फोर एट सेल इस कॉल्ड बताइए टू फोर या आठ सेल को आठ कोशिकाओं से बने ऊतक को कहते हैं दो चार या आठ जो हैं उन या आठ कोशिकाओं से बने ऊतक को कहते हैं क्या बोन कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं टंडिक टिश्यू कहते हैं मसल टिश्यू कहते हैं ठीक बताइए जल्दी से बताइए ठीक है जो टिश्यू टिश्यू बनता है वो दो चार आठ सेल से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं वो क्या होता है कार्टिलेज ठीक है जी उसे क्या बोलेंगे कार्टिलेज बोलेंगे ठीक है और जो कार्टिलेज बनाने की जो सेल होगी उसको क्या बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सही क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए चलिए बोन बनाने वाली सेल और कार्टिलेज बनाने वाली सेल का नाम बताइए जल्दी से आप लोग बताते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है साइटोक्रोम्स आर साइटोक्रोम क्या है न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग राइबोफ्लेविन है प्रीमिडिन या न्यूक्लियोटाइड है आयरन पोरफायरिन प्रोटीन है है ना मेटल कंटेन कंटेन इन फ्लेवो प्रोटीन है बताइए सिक्सटी नाइन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज याद होगा आपको साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेट डिहाइड्रोजिनेज सब याद होंगे साइटोक्रोम जो है वो आयरन पोरफायरिन प्रोटीन होती है क्या होती है आयरन पोरफायरिन प्रोटीन होती है ठीक है साइटोक्रोम प्लांट फिजोलॉजी में पढ़ेंगे इसको है ना जी बिल्कुल सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं द फॉलोइंग लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है ठीक है बारबल्स स्ट्रिंगिका नाजा नाजा बाला ठीक है रसेसिका इधर दिया लियो ठीक है सलाब एप्पल स्नेल कैट पीसेस ये आपको बताना है कि सही मिलान करना है ठीक है सत्तर ठीक जो बारबल्स होते हैं वो कैट पीसेस होते हैं और जो श्रृंगिका होते हैं वो सलाब होते हैं नाजा वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं वो लियोपाडान, नाजा वाला जो है एक टाइगर है जिसको लियोपाडान के नाम से जानते हैं ठीक है पैंथेरा लियो पैंथेरा टाइग्रेस है ना रसेसिका ये क्या है ये एप्पल स्नेल है तो इसका क्या हो जाएगा सत्तर का हो जाएगा बी सत्तर का बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चिलगोजा या टेन फार्म पता है आपको पाइनसाना से है ये सभी को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें ट्रांसफार्म होता है ठीक है सेवेंटी टू पैपस किस में ट्रांसफार्म होता है तो पैपस जो है सेपल में ट्रांसफार्ट होता है कैलिक्स के नाम से बोलते हैं उसको नेक्स्ट इन पैपस हाउ मेनी फ्रूट आर प्रोड्यूस इन आ कोन कितने फ्रूट होते हैं पाइनस में ठीक है प्रोड्यूस इन अवेंटी थ्री क्वेश्चन हाँ एक भी नहीं ठीक है, 73 में एक भी नहीं, जी बिल्कुल सही आंसर सेवेंटी फोर दर्पज ऑफ प्लांट इज क्या होगा ठीक है ग्रोथ आप प्लांट बिल्कुल सही है ठीक है, काफ़ नीड ये भी सही है टू तो इंक्रीज ये भी सही इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा सभी सही है ब्रीडिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं करे ऑर्किड प्लांट ग्रोस ऑन द प्लांट एंड कार जो आर्किन प्लांट होता है वो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं तो याद रखना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 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 आर्किड आर्किड क्या क्या होता है? होता ठीक तो क्या है? है। जी जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करा करिए ठीक है और सही आंसर कर रहे हैं आप लोग जी साक्षी जी सही अर्चना जी सही गरिमा जी सही अमृत्या जी भी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो सेवन में क्या हो जाएगा इपीफाइट सेवेंटी सिक्स में आते हैं इन विच ईयर द अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम वाज स्टार्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है शुरुआत 1962 से हो गई थी लेकिन स्टेबलाइज कब हुआ है 1964 में ठीक है 1964 में वहता मिली थी और स्टार्ट किया जाए तो नाइनटीन में हो गया था आंसर क्या है नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलीज लाइकेन आर जो फोलीज लाइकेन के भी कई टाइप होते हैं तो इसमें फोलीज लाइकेन है क्लियोडाइनिमा है ग्रेफिस है परमीलिया है इंपॉर्टेंट है ठीक है परमीलिया है तो फोलियज क्या होगा परमीलिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही आंसर वेयर इज दर्ड मैंगो सबसे बड़े मैंगो का नाम सबसे हाइवेस्ट मैंगो का नाम बताना है जिसका वेट भी दिया है ठीक है क्या है फाइव एलबीएस और सेवन ओज है ना कितना है फाइव एलबीएस और सेवन ओज चाइना हवाई इंडिया थाईलैंड थाईलैंड में पाया जाता है सबसे हैवीएस्ट मैंगो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी सभी को पता है स्टडी ऑफ पेलिनोलॉजी इजी क्वेश्चन था जी बिल्कुल सही क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर जी नेक्स्ट क्वेश्चन काजीरंगा नेशनल पार्क हैज लॉन्ग बीन अ वीड हैज बीन डैमेज टू द लोकल वेजिटेशन इंक्लूडिंग वाटर ग्रास एंड वन वन फॉन्ड ठीक है राइनोसिरास फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स दीज बीट्स आर है ना ग्रह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पिछले काफ़ी समय से खरपतवार हैं जो पिछले कई वर्षों से स्थानीय वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है जिसमें जल घास वाला गेंडा भी शामिल है यह खरपतवार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो वो खरपतवार का नाम बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आसाम में है कहाँ है आसाम में पाया जाता है तो उस खरपतवार का नाम बताओ उस खरपतवार का नाम है माइसोमा इनवेसिया उस खर का क्या नाम है माइसोमा इनवेसिया जी बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन साइनो बैक्टीरिया नोन एज फॉर द ग्रेटर इंपॉर्टेंस साइनोबैक्टीरिया को जानते हैं ग्रेटर इंपॉर्टेंस के लिए बताइए काहे के लिए जानते हैं फर्मेंटिंग एजेंट होता है सोर्स ऑफ विटामिन बायो फर्टिलाइज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है ये बायो फर्टिलाइजर्स होती है साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्लिन एलगी जो होती है ठीक है वो वीडियो जो धान के खेत होते हैं उसमें डाले जाते हैं जोला जैसे है, है ना ठीक है तो ये डाले जाते हैं तो किसमें होगा बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द द कंट्री है फर्स्ट ट्रांसजेनिक हैज आल्सो सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ क्रास क्रास ब्रेड फ्लोरसेंट पिग दिस पिग ग्रो अप इन द लाइट ऑफ टॉर्च फिश कंट्री हैज डन दिस हिंदी में सुनिए वह देश जिसने विश्व की पहली ट्रांस ट्रांसजेनिक चमकदार मछली का विकास किया है उसने सफलतापूर्वक संकरित ठीक है सुअर का भी विकास किया है या सुअर टार्च की रोशनी में बड़ा होता है यह किस देश ने किया है जीके टाइप वाला क्वेश्चन है यह किस देश ने किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है एट्टी टू का आंसर एट्टी टू का आंसर आपका हो जाएगा ताइवान कहाँ पे है ताइवान में इसका आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज जेनेटिक कौन सी जेनेटिक डिसीज़ है याद रखना हीमोफीलिया है ठीक है हीमोफीलिया ए भी होता है बी भी होता है ठीक है ये हीमोफीलिया ठीक है हीमोफीलिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कौन सा इसमें से ट्रू है ठीक है एट्टी फोर देखो जिंजर इज अ नेचुरल बल थिनर बिल्कुल सही ठीक वन और टू कप्स ऑफ इनफ टू प्रिवेंट द अस्थमा जी बिल्कुल गलत ठीक है ह्यूमन क्रोमोसोम वन विच इज इन द लास्ट सिक्वेंस कंटेन मोर देन थ्री फिफ्टी ह्यूमन डिसीज इन इट एट्टी फोर एट्टी फोर का ये सही है ठीक है सम प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर ऑयल बिकॉज इट इज सेट दैट दिस ऑयल इज नेरी फॉर देम यह गलत है आपका तो आंसर क्या सही हो जाएगा ट्रू पूछना था वन और थ्री ट्रू है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी ठीक है जी बिल्कुल सही ठीक है दीबाव्रता कर्माकर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दूसर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है ऑक्टोपस डॉल्फिन सार्क या पेंगोलिन कैटलिक ठीक या सेमडर पाइथन फिर कंगारू जी पहले सेलेमंडर फिर उसके बाद पाइथन आया फिर कंगारू आया डेवलपमेंट बता है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक है सबसे पहले क्या थे फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद क्या आए तो से पाइथन और कंगारू जी बिल्कुल सही आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

सी हो जाएगा आपका है ना जी जी बिल्कुल सही मृत्याजी साक्षी जी गरिमा जी नौमान ठीक है सभी लोगों का सही एट्टी सिक्स का सी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट आर द क्लाटिंग सब्सटेंस ऑफ ब्लड ब्लड का क्लाटिंग सब्सटेंस कौन सा है व्हाट आर एट्टी सेवन द क्लाटिंग सब्सटेंस ऑफ ब्लड रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है क्लाटिंग सब्सटेंस ऑफ ब्लड बताइए जल्दी से क्लाटिंग सब्सटेंस ब्लड बताइए क्या है फाइब्रोनोजन हिपायरिन थ्रोम्बिन या ग्लोब क्या है जल्दी से बताइए कह रहा फिर से। रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है रक्त के प्रति स्कंदन क्लाटिंग सब्सटेंट व्हाट आर द्लाटिंग सब्सटेंट ऑफ द ब्लड रक्त के प्रति स्कंदन देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं रक्त के प्रति स्कंदन जल्दी से ठीक है तो क्या हो जाएगा फाइब्रिनोजन इसका क्या हो जाएगा फाइब्रिनोजन ठीक है क्या हो जाएगा फाइब्रिनोजन हो जाएगा थ्रोम्बिन भी है ठीक है तो वाट आर द क्लाटिंग सब्सटेंस पूछा है ठीक है फैक्टर नहीं पूछा है तो इसका सब्सटेंस में हिपेरिन हो जाएगा ठीक है देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है इस इंग्लिश में अच्छे से पूरा टाइप नहीं हुआ है ठीक है क्वेश्चन हिंदी में समझिए आप कह रहा है कि रक्त के प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है ठीक है तो क्या है ठीक है? है. है? सेरोटोनिन याद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हिंदी में भी इसको भी समझिए एट्टी एट कोलाज है इसको बोलते हैं कोलाज, कोलाज आर मैरीन कार्निवोर्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन बियर सिमिलर टू द मैसोपियन रोडेंट होते हैं अमेरिकन मंकी होते हैं या लिंग मेमल्स होते हैं ठीक है बताइए क्या होते हैं मैरीन कार्निवोर एट्टी एट एट्टी एट का बताइए जल्दी से कोलाज क्या है तो कोलाज ऑस्ट्रेलियन बियर हैं सिमिलर टू द मार्सुपियल रोडेंट के होते हैं ठीक है मार्सुपियल रोडेंट जो होते हैं कंगारू जैसे उसी तरह होते हैं ठीक है ऑस्ट्रेलियन बियर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी नाइन द लार्जेस्ट फिश ऑफ इंडिया लार्जेस्ट फिश का नाम बताना इंडिया के जो कि स्तनधारी भी आपको पता है वेल होती है लार्जेस्ट फिश इंडिया की कौन सी है वेल है फेल शार्क ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही क्या है वेल है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नाइनटी नंबर विच आर द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट गोनेडोट्रॉपिन कौन सा गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन्स नहीं है ठीक है गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन्स इसमें से कौन सा नहीं है बताइए ठीक है विच आर द फॉलोइंग हारमोन्स आर नॉट गोनेडोटॉपिन कौन सा गोनेडोट्रॉपिन नहीं है ये पूछा गया है मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन गलत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सही टेस्टोस्टेरोन ये भी सही प्रोजेस्टेरोन जी प्रोजेस्टेरोन होता है गोनेडोट्रॉपिन बताइए तो बताइएजन और प्रोजेस्टान प्रोजेस्टान होता है याद रखना है आपको जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं ठीक है पिट्यूटरी से और तो होते ही हैं भी टेस्टिस से निकलने वाला होता है प्रोजेस्टान होता है कि नहीं होता है वोमेन में जो काज होता है ओवरीज का ठीक है तो ओवरीज भी एक गुणड है वो स्ट्रोजन और प्रोजेस्टान को निकालती है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका नाट पूछा है ठीक है नाट में कौन है जल्दी से बताइए नाइंटी देखो जो प्रोजेस्ट्र है ठीक है ये ओवरी से निकलने वाला तो ये गोनट्स में नहीं आएगा ठीक है सही में कौन हो जाता है यह भी गलत है तो पहला और चौथा किस में है सी नंबर इसका सही हो जाएगा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका जी बिल्कुल सही नाइन्टी का सी सभी का सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना विच आर द फॉलोइंग लेस एक एंड डज नॉट डायरेक्टली ले चिल्ड्रेन ठीक है इसमें से कौन सा एक ले करता है डायरेक्ट चिल्ड्रेन को ले नहीं करता है ठीक है बताइए इकडिना कंगारू शाही वेल इकडिना ठीक है एक लेंग मैमल है याद रखना क्वेश्चन भी पूछा जाता है एक लेंग मैमल का नाम बताओ तो एक लेंग मैमल कौन है इकडिना है इकडेना डकविन नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द नीड टू सक ब्लड फ्रॉम द स्लीपिंग काउ पिग या डॉग कैन बी मोर डेंजरस देन नॉट ईटिंग वन नाइट फॉर होम हिंदी में है ना निम्नलिखित में से कौन नहीं हिंदी में सोती हुई गाय सुअर या कुत्ते के से खून चूसने की जरूरत एक रात खाना नहीं खाने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसके लिए ठीक है अगर वो खून नहीं चूस चूसेगी तो एक रात वो जिन खाना खाने से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी ठीक है आल बैट्स होती हैं फ्लाइंग फॉक्स होती अरे वेम्पायर बैट्स होती है कि उन्हीं को खून चाहिए ठीक है ब्लड को शक करती है तो क्या होगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेम्पायर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे जी गरिमा जी का बिल्कुल सही विदित जी का बिल्कुल सही गरिमा पाठक जी का है ना नौमान जी नाइनटी वन का ए बता रहे हैं ठीक है चलो जी बिल्कुल सही है जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है ई जी ब्रेन से रिलेट करता है ई हार्ट से रिलेट करता है ठीक है तो दो क्वेश्चन पे या जाइए किसके लिए इलेक्ट्रो इनफेलोग्राम हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया ये ये दो आपको पता है। EMG, पता ईओजी और ईएमजी भी हो जाएंगे कैसे पता हो जाएंगे ईएमजी मसल के लिए हो गया और वो होती आई से हो गया ठीक है तो याद रखना आप लोग ठीक है तो ये आंसर हम मिला लीजिए नाइन्टी का आंसर क्या हो जाएगा नाइन्टी का आंसर बी हो जाएगा ठीक है पहले का तीसरा दूसरे का चौथा सी का दूसरा सी का दूसरा और ठीक है आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए सभी लोगों को जी करा इन द लैंग्वेज ऑफ पैथोलॉजी पैथोलॉजी की लैंग्वेज में प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल डब्ल्यू बहुत ज्यादा है भाई डब्ल्यू ज्यादा है तो ब्लड को क्या कहेंगे अगर डब्ल्यू ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डब्ल्यू का दूसरा नाम क्या है ल्यूकोसाइट क्या है ल्यूकोसाइट ठीक है और उसको क्या बोलेंगे ल्यूकीमिया बोलेंगे ठीक है उसको क्या बोलेंगे ना बोलेंगे ठीक है ना एनीमिया न सेप्टीसी उसको क्या बोलेंगे ल्यूकीमिया बोलेंगे ठीक है रिपोर्ट देखना आप लोग जान जाएंगे देख लीजिए टीएलसी डीएलसी बढ़ा होगा है ना अगर डीएलसी बढ़ा डिफ्रेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ा है तो इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है ठीक है उसके लिए फिर अलग एंटीबायोटिक्स चलती हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन ब्लड फ्लू इज केप्ट इन विथ जीन्स ह्यूमन ब्लड फ्लू केप्ट इन विथ जीन्स अमीबा ट्रिपेनोसोमा सिस्टोसोमा फ्रिग फ्र, फ्रे फ्रेगिटिगा ठीक है फ्रेटिगा होगा ठीक है चलो ह्यूमन ब्लड फ्लू जो होता है किसमें पाया जाता है भैया बताइए जो कौन सा जीन होता है नाइन्टी सिक्स याद रखना है अगर ह्यूमन ब्लड फ्लू की बात आ जाएगी तो वो किसमें सिस्टोसोमा में पाया जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

इसोफेगस से स्टमक में जाता है स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है सब जो इसके चलने की वो होती है उसको बोलते हैं पेरास्टिक मूवमेंट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पे आर आर द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर ट्रांसमिशन नर्व फाइबर बहुत ही जी क्वेश्चन सोडियम होगा क्योंकि सोडियम पोटेशियम होते हैं थ्री सोडियम टू पोटेशियम ठीक है इसमें क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा मसल के ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पल्स ट्रांसमिशन में है ना इम्पल्स आपको याद होगा इम्पल्स के ट्रांजिशन में याद होगा ये ठीक है पोलराइजेशन डी पोलराइजेशन निगेटिव निगेटिव फिर निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर negative. ये पोलराइजेशन और क्या होगा सोडियम थ्री सोडियम होंगे और दो पोटेशियम होगा इन्हीं की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा और ये मसल क्या कर जाएगी कॉन्टैक्ट कर जाती है सोडियम आंसर आ जाएगा जी नाइन्टी नाइन का सी नाइन्टी नाइन का सी होगा कैल्शियम नहीं होगा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं जिनका गलत हुआ है वो फिर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड नंबर विच आर द फॉलोइंग एनिमल हैज अ विंग विंग लाइक लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ ऑफ द एब्डोमेन इज सपोर्ट बाय टू पेयर रिब्स स्ट्रक्चर होता है डोमेस्टिक जीको फ्लाइंग लिजार्ड्स बताइए हंड्रेड का आंसर हाँ विंग लाइक -like, जो विंग लाइक मेम्रेन होती है दोनों साइड पे एब्डोमेन के है ना और जो कि सपोर्ट किसको करती है पांच से सात नंबर पेयर की वर्टी रिप्स को सपोर्ट करती है उसका आंसर आंसर हो 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 जाएगा 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 क्या क्वेश्चन पे आते हैं तो ठीक है नहीं डिग्रेडेट किया जाता है है इसमें से कौन सा है? मेट, मेट को डिग्रेडेट किया जा सकता है सिल्वर फॉइल को नहीं किया जा सकता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा ठीक है लेदरी बैग हो सकता है जूट बास्केट हो सकते हैं ठीक है आंसर क्या हो जाएगा नॉट नॉट बायोडिग्रेडेबल पूछे है, है ना? तो ये नॉन बायोडेबल हो जाएगा सिल्वर फॉल इसको डिग्रेडेट नहीं कर सकते जी बिल्कुल सही आंसर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड इनवायरमेंट डे पांच जून सभी को पता है फाइव जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन विच कंडीशन डू ठीक है क्या कह रहा है इन विच कंडीशन डू मरू दिभान मरू दिभान अरे यार ये मरुद्भिद है ठीक है मरुद्भित ग्रो इन कंडीशन डू मरुद्भिद ग्रो हॉट एंड ड्राई में मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं ठीक है हार्ट एंड ड्राई में जीरो फिटिक प्लांट जीरो फिटिक प्लांट जो होते हैं वो हार्ट एंड ड्राई में कोल्ड एंड ह्यूमिड में हॉट एंड ह्यूमिड में कोल्ड एंड ड्राई में बताइए किस में होते हैं तो हॉट एंड ड्राई में होते हैं जीरो फिटिक प्लांट 103 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलो वन जीरो थ्री का ए हो जाएगा हार्ट एंड ड्राई कंडीशन में होते हैं जीरो फिटिक प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन हाई प्रोफेशनल्स हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है कह रहा है कि जो हाई प्रोफेशनल वाले व्यक्ति होते हैं वो काम करते रहते हैं कारपोरेट सेक्टर में या कंपनीज में काम करते रहते हैं जो कि हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं अपनी कार में एयर कंडीशन में रहते हैं ठीक है और उनका जो वर्क होता है होल होल्डे सेटिंग बैठे बैठने वाला काम होता है पूरे दिन क्लोज कैबिन में बैठे रहते हैं ठीक है वो क्या करते हैं उनको किसी ना किसी तरह की डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी डिफिशियंसी उनको हो जाती है हाई प्रोफेशनल वर्किंग जो कारपोरेट सेक्टर में या जो कंपनीज में काम करते हैं वो लगातार चलते रहते हैं कार कंडीशन में बैठे रहते हैं वर्क हमेशा सेटिंग डाउन बैठ के काम करते हैं कैबिन में बैठ के काम करते हैं ठीक है ठेके? तो उनको इनमें से कौन सी बीमारी हो जाएगी याद रखना है आपको देखो जो लगातार वर्कर हैं उनको ना सनलाइट नहीं मिलेगी वो सुबह सुबह से ही काम पे लग जाएंगे तो जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो उनमें कमी किसकी हो जाएगी क्योंकि तो आपको पता है सनलाइट में विटामिन डी होती है उनको किसकी किसकी कमी हो जाएगी कैल्सिटोनिन की कमी हो जाएगी किसकी कमी हो जाएगी कैल्सीटोनिन की कमी हो जाएगी ठीक है या साइनोबा साइनोकोबाल या टोको फिलहाल या कोलिकल्सिटोनिन कैलसीटोनिन नहीं कोलिकल्सिटोनिन की हो जाएगी ठीक है कॉली कैल्सिटोनिन की कमी हो जाएगी है साथी साथी ना जी बिल्कुल सही गरिमा पाठक जी का बिल्कुल सही आंसर है नौ, नौमान जी का भी सही आंसर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाँ क्या ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द टिप्स ऑफ लीव्स ग्रासेस कॉमन गार्डन प्लांट्स एट डाउन फ्राम फ्राम होम दिस वाटर हार्वेस्टिंग कम देखो बता देते हैं जो पत्ती होती है पत्ती के जो बिल्कुल नुकीले नुकीले ठीक हैं जो मार्जिन होते हैं वहाँ पे वाटर आपको दिखते हैं थोड़े थोड़े ड्राफ फार्म में ठीक है कह रहा है वो जो वाटर होते हैं वो हार्वेस्टिंग का इसमें ये है कि जो जल संचयन किससे प्राप्त होता है वो वाटर कहाँ से आता है भाई एटमॉस्फेयर से स्टोमा से कन्वेक्शन सर्कल से या वाटर पोर से हिंदी में समझ लीजिए वायुमंडल से रंध्र से या संवाहन मंडल से या जल रंध्र से बताइए तो वो कहां से आता है हाइडाथोड से आता है यहां पे हाइडा पाए जाते हैं हाइडा ठीक है जिनको हम लोग जलरंध्र के नाम से जानते हैं तो वो कहाँ आएंगे वाटरपोर जलरंध्र से आते हैं ठीक है याद रखना है आपको जी आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा जलरंध होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ब्रांच ऑफ न्यूली डेवलप्ड साइंस ठीक है न्यूली डेवलप्ड साइंस है और किसमें अलर्ट रहती है तो एन अलार्म बेल फॉर बायोडायवर्सिटी के लिए अलार्म की तरह काम करती है ठीक है तो वो कौन सी ब्रांच है रेडियोलॉजी नहीं बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल सही इसका आंसर क्या हो जाएगा बायोटेक होता है नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होगी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगी क्या होगी बायोटेक्नोलॉजी होगी ठीक है न्यूली डेवलप साइंस है ठीक है अलार्म बेल फॉर द बायोडाइवर्सिटी के लिए अलार्मेल के लिए अलार्म का काम करती है ठीक है जैसे बायोडास्ट्री में इसका बहुत यूज है बीटी कॉटन पढ़ लेना आप वहाँ पर आपको पूरा दिखे आ, सब कुछ पता चल जाएगा चलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज किसमें एनर्जी किसमें रिलीज होती है एनर्जी बनना रिलीज होना दूसरी बात है ठीक है फोटोसिंथेस में एनर्जी बनती है रिलीज किसमें होती है तो आपको याद रखना रिस्परेशन में एनर्जी रिलीज होती है ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा वन जीरो सिक्स का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वन जीरो एट इंडियन टाइगर रिजर्व कंसीडर टू बी आ सेफेस्ट फॉर वेरियस स्पीसीज इंडियन टाइगर रिजर्व पूछा गया है भारतीय बाघ विभिन्न प्रजातियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अभ्यारण हैं जिसमें से भारतीय टाइगर जो टाइगर है उनको रिजर्व किया जाता है जी कौन सा जिम कार्बेट उत्तराखंड सिरिस्का इन राजस्थान काजीरंगा इन आसाम नहीं ठीक है इंडियन टाइगर रिजर्व कहाँ है जल्दी से बताइए फिर बी नंबर कह रहा है जिम कार्बेट उत्तराखंड रंथम्बौर राजस्थान काजीरंगा आसाम कान्हा मध्य प्रदेश ये भी नहीं अगला है जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही काजीरंगा आसाम में बिल्कुल सही ठीक है नगर होल इन कर्नाटका में बिल्कुल सही कान्हा एंड बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सी इंडियन टाइगर रिजर्व यहीं पे होते हैं और ये बिल्कुल सही सही देखो जिम कार्वेट भी आसाम में है ठीक है नगर हुल भी कहाँ पे है कर्नाटका में है कान्हा और जो बांधवगढ़ है वो कहाँ पे मध्य प्रदेश में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी गरिमा जी का बिल्कुल सही आंसर चलो करा

डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है किसने बोला था तो याद रखना है बेंटिंग साहब ने बोले थे कौन से बेंटिंग एफ जी बेंटिंग और ने मॉडल दिया था न्यूक्लियस की ओर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ठीक है ठीक है रॉबर्ट हुक तो सेल की खोज किए थे चलो हो गया एफ जी बेंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हु द वर्ड जीन वर्ड जीन किसने खोजा था तो जोहानसन साहब ने जीन की खोज की थी जी बिल्कुल सही लैंड स्टीनर ने बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वन वन टू वेयर डू सी टर्टल ले दियर एग ठीक है वन वन टू समुद्री कछुआ अपने अंडे कहां देता है समुद्री कछुआ अपने अंडे कहां देता है इन द सी या यान वाटर या इन पॉकेट ऑफ फ्रेश वाटर अलॉन्ग दस्ट ऑन द ग्राउंड याद रखना है वो जो टर्टल होते हैं समुद्री कछुआ होते हैं वो ग्राउंड पे क्या करते हैं लेइंग करते हैं ठीक है लेइंग कहाँ करते हैं ग्राउंड पे करते हैं जी बिल्कुल सही गरिमा जी का सही विदित कुमार जी का सही ठीक है गरिमा दो हैं एक यादव जी हैं और एक पाठक हैं ठीक है तो दोनों लोग सही हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाँ इसमें स्टेटमेंट फॉलो करना है कौन सा सही बताना है थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू मेक एडेनलीन वन वन थ्री है ठीक है दूसरा कह रहा है ग्वाइटर अकन इन ह्यूमन आ थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू मेक एडनलीन ये गलत है आयोडीन जिसे एडेनलीन बने ये गलत है ग्रेटर इसमें सही बताना है ठीक है विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइटर अकन इन ह्यूमन्स एज आर रिजल्ट ऑफ आयोडीन आउडेंटिफ ये सही है आयोडीन आईडेंटिकेट बाई द ये भी गलत है है ना तो बताइए इसमें तीन ही हैं और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो वन वन थ्री है क्या सही हो जाएगा टू ओनली ना ठीक है टू ओनली ये बिल्कुल सही आंसर डी सही हो जाएगा अकर इन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड डॉग वाइल्ड डॉग कौन सा है तो भरल गोरल ठीक है करकाल ढोले तो इसमें कौन सा है वाइल्ड डॉग हो जाएगा ढोले नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव आर प्रेगनेंट वोमेन एडवाइज टू टेक लीफी वेजिटेबल एक प्रेगनेंट वोमेन है उसको कहा गया है कि आप क्या लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल लो ठीक है अपनी डाइट में ठीक है और वो किस में स्पेशली किस साइड में फर्स्ट सोल्जर्स में ठीक है जी हिंदी में पढ़ देते हैं गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली सिपाही मतलब पहली सिपाही नहीं, पहली तिमाही है ठीक है पहली तिमाही में ठीक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ होना चाहिए ठीक है फाइव द एक प्रेग्नेंट वो प्रेग्नेंट वोमेन है उसको कहा गया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल लिया जाए अपनी डाइट में और कब तक स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ठीक है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेती है तो स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो क्या होगा ठीक है दे आर रिच सोर्स ऑफ क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल से रिच हो जाएगी बिल्कुल गलत है ना क्लोरोफिल तो पाया ही नहीं जाता है प्लांट एनिमल में प्लांट में पाया जाता है तो ये तो गलत हो गया ठीक है दूसरा कह रहा है दे आर इच सोर्स ऑफ लेसिथिन बिल्कुल गलत दे आर इच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड जी बिल्कुल सही विच इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस इसमें क्या हो जाएगा ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल लेंगे तो आपको वहाँ फॉलिक एसिड बनेगा और वो किसके लिए जिम्मेदार होगा डीएनए के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा आंसर क्या सही हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा वन वन फाइव का जी बिल्कुल सही गरिमा जी गरिमा पाठक जी गरिमा यादव जी नौमान जी सभी का सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साक्षी जी का भी टू ईच अदर हिज टेक्निक इज कॉल्ड देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है यदि किसी मरीज के पैर या छाती से किसी धमनी या सिरा को एक दूसरे सिरे को रुकी हुई कोरोनी से जोड़ दिया जाता है तो यह तकनीक कहलाती है ठीक है ओपन हार्ट सर्जरी में बिल्कुल नहीं होता है भाई कोरोनी आर्टी बाईपास सर्जरी नहीं सर्जरी में नहीं होगा ठीक है जोड़ना मतलब इसमें सर्जरी में नहीं होगा तो इसमें ग्राफ्टिंग में हो सकता है तो कोरोनडी आर्टी बाईपास ग्राफ्टिंग तो कोरोनडी आर्टी आर्टी बाईपास ग्राफ्टिंग हो जाएगा ठीक है वो चाहे लेग की जोड़ी जाए और वो चाहे चेस्ट की जोड़ी जाए हार्ट के करीब से कोरोनरी आर्टरी में तो वो आपका हो जाएगा ग्राफ्टिंग पहले ग्राफ्टिंग होता है बाद में सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी उसको बोलते हैं स्टंट डाला जाता है इसमें बाईपास सर्जरी में और स्टंट से थ्रू क्या किया जाता है कोरोनरी आर्टरी में जो फैट कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जो डिपोजिट हुआ है उसको क्या किया जाता है उसको निकाला जाता है ताकि हार्ट की मसल को ब्लड अच्छे से सप्लाई हो सके और हार्ट हमारा स्वस्थ रह सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो पाए हार्ट अटैक ना हो पाए इसका आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पीएच के बारे में बताना है किसका कितना ज्यादा होता है ये बताना है ब्लड का पीएच होता है है ना सलाइवा तो याद रखना है सबसे पहले ब्लड आगे होगा फिर फिर गैस्ट्रिक तो सलाइवा गैस्ट्रिक जूस सबसे ब्लड फिर फिर गैस्ट्रिक जूस अंग्रेजिंग आर्टर में बताना है सबसे ज्यादा ब्लड फिर फिर गैस्ट्रिक जूस एक सौ सत्रह का आंसर क्या हो जाएगा अच्छा इंक्रीजिंग आर्डर में बताना है तो इंक्रीज सबसे कम गैस्ट्रिक जूस उसके बाद फिर सलाइवा फिर ब्लड आंसर इसका ए सही हो जाएगा वन वन सेवन का ए सही हो जाएगा है ना जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग बायोस्फेर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपको ये बताना है भारत निम्नलिखित में से किस जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है है ना बताइए सौ अट्ठारह का आंसर बताइए ठीक है नीलगिरीस एंड सुंदर वंश के अकॉर्डिंग ठीक है नंदा देवी नहीं ठीक है और किसमें गुल्फ ऑफ मैनार एंड नंदा देवी तो इसमें पहले में और तीसरे में तो आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में रखा है किसको रखा गया है नीलगिरी और सुंदर को साथ में गुल्फ ऑफ मैनार एंड नंदा देवी को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वन वन नाइन वन वन नाइन क्वेश्चन कह रहा है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड अगर स्प्रे की जाए ऑन एनी वन फीड क्राप है ना देश फूड चेन इज फूड क्राप माउस ठीक है फॉलोइंग मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट इन दिस फूड चेंज हिंदी में समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है किसी एक आहार फसल पर क्लोरिनकृत हाइड्रोकार्बन पीड पीड़क नाशी का छिड़काव किया जाता है है ना? आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल मूसक फिर सर्प फिर बाज इस आहार श्रृंखला में पीड़क नासी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन तो किसमें संचित होगी आप लोगों का होना चाहिए ठीक है वन वन नाइन का बताइए किसमें ईगल में, में सबसे ज्यादा किसमें होगी ईगल में क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उसकी ठीक है एक एक फूड चेन में जो होता है पहले माउस सॉर्फेंट फिर ईगल यहाँ अर्थ लिखा है ये ईगल होना चाहिए ठीक है ई ए जी एल ई ईगल ठीक है तो पहले माउस होगा फिर सर्प होगा फिर ईगल होगा तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पूछी जाती है कि क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन का जो कंसंट्रेटेड होता है वो ईगल में होता है ठीक है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही हो जाएगा वन टू जीरो है ना ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही द नॉर्मल सिक्वेंस ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कार्ड द लंबर रीजन इन ह्यूमंस लंबर रीजन में स्पाइनल कार्ड में स्पाइनल कार्ड के लंबर रीजन में जो बोन का सीक्वेंस है आपको वो बताना है ठीक है ठीक है लार्डोसिस जल्दी से बताइए वन टू जीरो हाँ जी बिल्कुल बायोमैग्निफिकेशन वाला ही क्वेश्चन वहां था बिल्कुल अच्छा हेलोबैक स्वैक हम बैक लॉडी लॉडोसिस तो यहाँ से हटा ही दो तो इन्हीं में से हो जाएगा तो इन्हीं में से कौन सा होगा वन टू जीरो का आंसर बताइए तो वन टू जीरो में हो जाएगा नहीं वन टू जीरो देखते हैं नॉर्मल सिक्वेंस ऑफ बोन सीन, स्पाइनल कार्ड लंबर रीजन अच्छा लंबर रीजन में लॉडियस होता है लॉडोसिस हो होता है ठीक है इसमें कौन सा नहीं होता हेलो बैक स्वय बैक हम बैक या लॉडिसियस तो वन टू जीरो में आंसर आपका हो जाएगा ठीक है हम बैक नहीं होता है ये कहाँ होता है ये लंबर रीजन में नहीं होता है हम्प बैक है ना तो ये हम्प बैक आपका हो जाएगा सर्वाइकल रीजन में हम्प हम्प रीजन होता है वहां पे हेलो बैक हो जाएगा लॉर्डिस हो जाएगा ठीक है इन्फेक्शन होता है तो ज्वाइंडिस होता है ठीक है तो याद रखना जो गाल ब्लैडर होता है गाल ब्लैडर ठीक है गाल ब्लैडर लीवर में ठीक है पास ही गाल ब्लैडर होता है ना तो वहां से क्या निकलता है ब्लू रुबिन ब्लू वर्डिन निकलता है और ये पिगमेंट होते हैं ब्लू रुबिन ब्लू वर्डिन जो निकलते हैं अगर इनकी कंसनट्रेशन बढ़ गई तो क्या हो जाता है ज्वाइंडिस हो जाता है अगर ऑप्शन देख लो तो ऑप्शन ब्रेन नहीं है ठीक है हालांकि ज्वाइंडिस कई तरह की होती है ठीक है लेकिन यहाँ पे पूछा गया इज इस ड्यू टू इन्फेक्शन आप तो लीवर में अगर इन्फेक्शन होगा तो ज्वाइंडिस हो जाएगी क्योंकि ब्लू रुबिन और ब्लू वर्डिन का लेवल बढ़ जाएगा ठीक है येलोविस कलर येलोइ डी देखने को मिलेगा नाखून में ठीक है और आइज में ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा लीवर हो जाएगा बी साक्षी जी का सही है गरिमा जी का सही है अर्चना जी का सही है विदित कुमार जी का भी सही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट का देखो किसमें किसमें होता है एप्पल में एंटी ऑक्सीडेंट है प्लम भी है तम, आ, आलू नहीं है टोमेटो भी है तो एप्पल है प्लम है और टोमेटो ये सब एंटी ऑक्सीडेंट है आपको याद रखना है तो आंसर मिला लीजिए वन टू फोर किसमें है वन टू फोर डी में है तो आंसर हो जाएगा वन टू टू का डी आंसर हो जाएगा वन टू टू का डी आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पे आते हैं स्मॉल पॉक्स कास्ट पॉक्साई ये भी पता है आपको स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है याद रखना है रूबियोला वायरस वेरियोला वायरस वेरिसला वायरस मिक्सो वायरस कौन सा वन टू थ्री का आंसर आपका हो जाएगा वायरियोला वायरस जिससे क्या होता है स्मॉल पॉक्स होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते इजी क्वेश्चन था ये जी बिल्कुल सही आंसर है ना वन टू थ्री चलो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अब इसमें आपको बताना है एक सौ चौबीस नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है यहाँ पे देख करके आर नॉट ट्रू है ना कौन सा सही नहीं वन टू फोर तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है सम फ्लावरिंग प्लांट्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस सो दे आर पैरासिटिक ऑन द अदर बिल्कुल सही कुछ फ्लावरिंग प्लांट फोटोसेंस नहीं करते हैं क्योंकि वो पैरासाइट होते हैं दूसरा कह रहा है लेंटिस आर रिच सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन द रीजन फॉर दिसर एबिलिटी टू सिंथिसाइड नाइट्रोजिनेस एंजाइम ठीक है विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जी गलत बिल्कुल सही सॉरी ये गलत है ठीक है लेंटिस नहीं होता है ठीक है सम बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डू फोटोसेंथिस ये भी फोटोसेंथिक बैक्टीरिया होती है Some plant get their from dead, so पहला सही है तीसरा सही है चौथा सही दूसरा गलत है तो इसका आंसर टू ओनली हो जाएगा मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वन टू फोर में वन टू फोर में क्या आंसर सही हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच आर द फॉलोइंग डिसीज इज यूजली स्प्रेड थ्रू एयर एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाली डिसीज का नाम बताओ बहुत ही मजा आया आज के क्वेश्चन में वन टू फाइव एक बार में लग गए बहुत ही अच्छा मजा आया होगा चलो कह रहे हैं एयर के थ्रू फैलने वाली बीमारी कौन सी है ठीक है फ्लेग टाइफाइड टूबरकोसिस कॉलरा वन टू फाइव टाइफाइड तो होती नहीं कंटामिनेटेड फूड और वाटर ठीक है ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर विब्रियो कॉलरी के कारण प्लेग ही बचा ठीक तो इसमें क्या हो जाएगा प्लेग ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज यूजली स्प्रेड तो कौन सा प्लेग स्प्रेड होती है एयर के थ्रू इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही गरिमा जी का बिल्कुल सही आंसर सही आंसर देते हैं हम्म किसके कारण है ना जी साक्षी जी का भी सही आंसर है गरिमा पाथर जी का भी सही आंसर है अर्चना यादव जी का भी सही आंसर है जी और लोग जल्दी दी कमेंट करें जल्दी आंसर करें चलो हाँ जी नौमान जी का भी सही आंसर है जी विदित कुमार जी आंसर क्या होगा जी सोच लीजिए जल्दी से सोचिए जल्दी से टीवी भी होती है ड्रॉपलेस बनते हैं जी जल्दी से बताइए ठीक है तो कैसी होती है याद रखना है आपको देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं जी बिल्कुल सही यही हम देखना चाह रहे थे ये कौन सी होगी ट्यूबर क्लोसिस ठीक है टीबी में क्या होता है ड्रॉपलेस बनती हैं और जैसे इंसान छींकता है वो ड्रॉपलेस जाती है दूसरे इंसान के पास उसको क्या हो जाता होने का चांस खतरा रहता है टीबी ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जो प्लेग होता है वो किससे होता है चूहों से किससे होता है चूहों से चूहों में चूहों से कॉकरोच में जाता है कॉकरोच से फिर ह्यूमन में आ जाता है ठीक है तो वो नहीं होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्यूबर क्लोसिस हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्यूबर क्लोसिस हो जाएगा ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आंसर इसका सही सी वाला आंसर हो जाएगा सही ठीक है सी वाला आंसर सही हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके 125 क्वेश्चन है ना जी बिल्कुल सही आ, आप लोग बहुत मेहनत करिए पेपर नज़दीक आने वाले हैं है ना और बने रहिए सीखते रहिए थैंक यू सो मच